Hey guys, welcome to my channel Learn with Hina. So if at all you are new to my channel or you are visiting for the first time over here, then please do subscribe and press the bell icon to get all the notification about my latest video. You can also join the Telegram channel and even the discussion group over there. Just type Learn with Hina and there you can easily come in that group. You can also follow me on An Academy. Just type my name Hina Jain and you will be seeing my profile. From here, you can easily follow me and access to all my courses which are available free of cost. Now, starting with question number 61. Till now, paper 1, we have completed 160 questions. So, 160 questions means a lot. If at all you have not done this all questions, then please do go and solve it. And the PDF for the first 100 questions are been provided by me. So, please go and download it from the Telegram channel. Question number 61. The two major processes involved in the carbon cycle are. So क्या बोला गया है दो major process जो कि involved होते हैं carbon cycle के अंदर वो कौन कौन से होते हैं. Option A evaporation and transpiration. Option B photosynthesis and respiration. Option C fixation and denitrification. Option number D deposition and erosion. सो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन साइकिल के अंदर जो टू मेजर प्रोसेस होते हैं दैट इज़ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62. कंप्यूटर डेटा फाइल सॉरी दैट आर इंक्लूडेड विद एन ईमेल मैसेज आर ऑफन रेफर्ड टू एस. सो क्या बोला गया है कंप्यूटर के तो डेटा फाइल्स होते हैं जो इंक्लूड करते हैं ईमेल मैसेज के साथ में. सो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इफ़ आई टॉक अबाउट दिस इफ़ इट ऑल यू आर सेंडिंग एन ई मेल टू अ पर्सन एंड यू अटैच सम फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर नाउ वॉट इज दिस थिंग कॉल्ड एज. यू वॉन्ट टू सेंड सम फाइल्स टू सम वन एंड वाइल ई मेलिंग यू आर अटैचिंग आई सेट द आंसर ओके यू सेंड द ई मेल्स अराउंड विथ इट. सो वॉट इट इज़ कॉल्ड अटैचमेंट. बाय मिस्टेकली आई जस्ट told the answer but I think you all know this. Next question number 63. Which of the following method would be the most appropriate in reducing the acid rain and acid deposition problems. So most appropriating thing which will help in reducing the acid rain and even the acid deposition, the acid which is gathering at a place, so to reduce it what will be the most appropriate method. Option A reducing the use of fossil fuels. Option B increasing the height of smoke stacks मतलब चिमनी का जो रहता है ना वो हाइट बढ़ाते ना. ऑप्शन सी प्रमोशन ऑफ एसिड रेसिस्टेंट क्रॉप्स मतलब ऐसे क्रॉप्स जो एसिड को अपने पास में रख सके रेसिस्ट कर सके. या ऑप्शन नंबर डी एडिंग लाइम टू द एसिडिक लेक्स. सो सबसे बेस्ट चीज जो रहेगी वो ये होगी क्या फॉसिल फ्यूल्स जो आप यूज़ करते हो उसे ही थोड़ा कम कर दो यूज़ करने के लिए तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64. व्हेन द कंक्लूजन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट फॉलोज इट्स प्रीमाइसेस नेसेसरीली द आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड. प्लीज फोकस ऑन द वर्ड नेसेसरीली. ऑप्शन ए डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट. ऑप्शन बी एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट. ऑप्शन सी सर्कुलर आर्ग्यूमेंट और ऑप्शन नंबर डी इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट. सो इफ़ एट ऑल यू सी द वर्ड नेसेसरी मतलब ज़बरदस्ती से ये चीज़ होगी ही होगी तो वो चीज़ आपकी होती है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के अंदर. सो टेलीग्राम चैनल पे एक ने मेरे को एक ग्रुप में मेरे को पूछा गया था कि मैम इंडक्टिव एंड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट मतलब उसके ऊपर डिस्कस करो मतलब वो फैलेसीज के लिए पूछा गया था फॉर्मल फैलेसीज एंड इनफॉर्मल फैलेसीज. तो ये टॉपिक के ऊपर मैं जल्दी ही वीडियो आपके लिए बनाऊँगी ठीक है अपलोड कर दूँगी जल्दी यहाँ पे यूट्यूब पर बना के. सो आंसर यहाँ पे ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65. एवरी लॉ इज एन एविल फॉर एवरी लॉ इज एन इन्फेक्शन और इन्फ्रैक्शन ऑफ लिबर्टी. सो यहाँ पे क्या हो रहा है हर एक लॉ एक एविल होता है और हर एक लॉ जो होगा वो इन्फेक्शन होता है किसका लिबर्टी का. सो ये क्या है फैक्ट है प्रपोजिशन है और फैक्ट है आर्ग्यूमेंट है या जस्टिफिकेशन ऑफ बिलीव्स है. तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक आर्ग्यूमेंट बन रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद स्टूडेंट्स टीचर शुड यूज़, सो स्टूडेंट्स के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए अच्छे से टीचर्स को क्या यूज़ करना चाहिए? ऑप्शन ए एफिनिटी सीकिंग स्ट्रेटजीज, ऑप्शन बी इमिडिएसी बिहेवियर, ऑप्शन सी ह्यूमर और हुमर, ऑप्शन डी कोलैबोरेटिव फिल्टर्स। सो अगर एक टीचर को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है उनके स्टूडेंट्स के साथ में, तो टीचर शुड यूज व्हाट कोलैबोरेटिव फिल्टर्स, शी शुड यूज वेरियस टाइप ऑफ फिल्टर्स टू टीच हिज स्टूडेंट टू मेक द कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, इन प्री लर्निंग प्रिपरेशन एन इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन इज, सो प्री लर्निंग प्रिपरेशन जब आप करते हो तब इम्पॉर्टेंट स्टेज क्या बनता है कम्युनिकेशन के अंदर? ऑप्शन ए इग्नोरिंग द सिमेंटिक नॉइज, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन एक्विजिशन एंड इट्स प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी कंडीशन फीडबैक और ऑप्शन नंबर डी आइकोनाइजेशन ऑफ एनकोडर। सो जो प्री लर्निंग प्रिपरेशन का इम्पोर्टेंट स्टेज है वो है इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना एंड उसे प्रोसेस करना। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, इंटरनल क्यूज ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर इन द क्लासरूम हेल्प डायग्नोज स्टूडेंट मूवमेंट, स्पेरिटल अप्रॉक्सीमेशन, मास बिलीव्स, इंटरपर्सनल डायनामिक्स। सो जो इंटरनल क्यूज है किसके, नॉन वर्बल बिहेवियर के, वो हमें हेल्प करता है कि हम डायग्नोज करें इंटरपर्सनल डायनामिक्स को। गैस अगर आपको कोई डाउट हो रहा है क्वेश्चंस में तो कमेंट में आप ज़रूर पूछ लेना मुझे। क्वेश्चन नंबर 69, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्री सपोज, सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो प्री सपोज क्या करता है? नॉन अलाइनमेंट, डोमिनेशन, पैसिविटी, अंडरस्टैंडिंग। सो ये प्री सपोज करता है क्या? अंडरस्टैंडिंग। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो आपका अंडरस्टैंडिंग को प्री सपोज करता है, बाकी तो आपके नेगेटिव टर्म्स में जा रहे हैं। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू कोहेशन, मतलब दरा धमका के चीज करवाना, सबमिशन, कन्फ्रंटेशन और पर्सुएशन। कन्फ्रंटेशन मतलब बोलते ना काउंटर करके जवाब देना, मैंने ये बोला तो वो सामने वाला भी कुछ मुझे बोलेगा, कन्फ्रंट करेंगे एक दूसरे को। सो अगर पॉजिटिव क्लासरूम की बात हो रही है तो कम्युनिकेशन लीड करता है पर्सुएशन के साथ में, हम पर्सुएट करते हैं, जो हमें बोलना हम सामने वाले को उसे पर्सुएट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। सो आउट ऑफ 10 हाउ मच आर यू स्कोरिंग, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। If at all you are having any doubt in any particular question, then please do comment in the comment section. Thank you. और score भी ज़रूर comment कर देना, video को like कर देना, हो सके उतने friends के साथ में share कर लेना, so that maximum people can come here and they can join our channel. Thank you. Keep supporting and keep sharing.